Students, welcome back to my channel. Today we are going to learn how to represent a rational number on a number line. कोई भी rational number अगर हमारे पास है तो उसे हम number line में कैसे represent करेंगे, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे हम कोई number line draw करते हैं और उससे समझते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक line draw की और यहाँ पे आप plotting कीजिए. बीच में हमारा zero होता है. Zero के right hand side पे सारे हमारे जो numbers होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है? और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ठीक है? तो जीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर होंगे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होंगे नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि जब आप राइट साइड को मूव करोगे, ठीक है, जब आप राइट साइड को मूव करते हो तो हमारे नंबर्स क्या होते हैं? इंक्रीज हो रहे हैं. राइट साइड को मूव करने पे हमारे नंबर्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, ठीक है? नंबर इंक्रीज, ठीक है? जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स इंक्रीज, नंबर इंक्रीज होते हैं जब राइट हैंड साइड को जाते हैं. और जब लेफ्ट हैंड साइड को जाते हैं, ठीक है, जब आप लेफ्ट हैंड साइड को जाएंगे तो हमारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है? जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो से जो भी नंबर्स आएंगे सारे बड़े आएंगे तो इसका मतलब है कि नंबर इंक्रीज हो रहा है. और यहाँ पे जीरो से सारे छोटे नंबर्स आएंगे नेगेटिव में, तो अगर नंबर नेगेटिव में आ गया तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही साफ से आपको दिख रहा है कि अगर नंबर नेगेटिव में है तो जीरो से तो वो छोटा ही होगा, ठीक है? अब देखिए, हर नंबर के यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो नंबर्स यहाँ पे हैं ये क्या है, बेसिकली मैंने ये रैशनल नंबर्स नहीं है, ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है ये इंटीजर्स है, ठीक है? क्योंकि देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स भी दिख रहे हैं और नेगेटिव नंबर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने जो रिप्रेजेंट करा है वो इंटीजर्स है, वो रैशनल नंबर्स नहीं है. अगर रैशनल नंबर मैंने रिप्रेजेंट करा होता तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे तो मैंने कुछ इंटीजर रिप्रेजेंट करे हैं. अब आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं, हर इंटीजर का एक कॉरस्पॉन्डिंग नंबर, एक कॉरस्पॉन्डिंग नंबर होता है, ठीक है? जैसे ए है, जैसे वन है, सॉरी वन है, तो वन है, वन का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? माइनस वन है, ठीक है? टू है, टू का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? माइनस टू है. तो मतलब आपको जो राइट हैंड साइड में जो नंबर है उनके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नंबर्स हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, दिखेंगे. जो राइट हैंड साइड में नंबर है उनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिखेंगे, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि आप जितने डिस्टेंस आप ये जीरो से टू के बीच में या फिर जीरो से माइनस टू के बीच में, ठीक है, इन दो के बीच में आप क्या करते हो, जो भी नंबर आप कोई भी नंबर जो प्लॉट करते हो, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे आप कोई भी नंबर चाहे पॉजिटिव की तरफ को प्लॉट कर सकते हो या नेगेटिव की तरफ को, ठीक है? मतलब कहने का मतलब है जीरो से टू जो है ये भी इक्वल, और जीरो से माइनस टू है, दोनों ही इक्वल डिस्टेंसेज में होते हैं, ठीक है? ये दोनों ही इक्वल डिस्टेंसेज में होंगे और हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर प्लॉट कर सकते हैं इनके बीच में, इनके बीच में. जैसे मेरे पास नंबर है 3/4, ठीक है? तो 3/4 है, तो 3/4 का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या होगा? -3/4, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, 3/4 अगर प्लॉट कर रहे हैं तो -3/4 भी हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव नंबर का कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर होगा नंबर लाइन में, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें. अब हम बात करेंगे कुछ दो केसेस की कि जब हम कोई भी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, कोई रैशनल नंबर को, तो हमारे पास कुछ दो केसेस बनते हैं. तो आइए अब जानते हैं कि वो दो केसेस क्या हैं, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम समझेंगे कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन में जो रिप्रेजेंट करते हैं तो कौन से हमारे पास दो केसेस होते हैं, ठीक है? सबसे पहला केस क्या होता है, जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है? जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है? न्यूमरेटर क्या होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 6/4, तो 6/4 में देखिए हमारा न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, बड़ा है. तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है, जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है. अब देखें, ये जो फ्रैक्शन है ये एक तरीके का फ्रैक्शन है
और ये किस तरीका का फ्रैक्शन है? ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जब भी हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो हमारा फ्रैक्शन कौन सा होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा तो आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो आप उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जब आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तभी आपको समझ में आता है कि ये जो नंबर हमें दिया गया है ये कौन सी वैल्यूज के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर कौन सी वैल्यूज के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो समझ में आता नहीं है कि कोई नंबर कहाँ पे लाई करेगा, लेकिन जब आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नंबर कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। अभी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसको हम तब डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में हम इसको तब डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे केस के। दूसरा केस है जब हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, ठीक है, जब हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1/8, अब आपको दिख रहा है कि हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है ना, यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 8 है। जब इस तरीके की कंडीशन होती है तो हमारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। जब भी आपको इस तरीके की कंडीशन मिलेगी, ये क्या है, ये किस तरीके का फ्रैक्शन है, सबसे पहले ये बताइए। ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी हमारे पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हमारी वैल्यू कहाँ लाई करेगी? 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस अगर आपके दिमाग में हैं तो आप आसानी से कोई भी कितना भी टफ नंबर होगा आप आसानी से उसको रैशनल नंबर को नंबर लाइन में शो कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में आएगी, और अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पहले हम उसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद को समझ में आ जाएगा कि ये जो वैल्यूज है ये वैल्यू कौन दो नंबर के बीच में लाई करती है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर उनसे समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 मैंने स्टार्ट की है। तो पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन नंबर लाइन। हमें क्या करना है, नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो पहला नंबर है 7/4। अब 7/4 को हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये नंबर कैसा है, यहाँ पे कैसा नंबर दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है कि हमारा न्यूमरेटर इज, हमारा न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, ठीक है। हमारा न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, बड़ा वाला ऊपर बड़ा नंबर है, ठीक है। तो जब इस तरीके के जब हमारे फ्रैक्शन हमें मिलते हैं, ठीक है, ये बेसिकली कैसा फ्रैक्शन है, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हमारा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो हमें उसे किस में कन्वर्ट करना होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अगर हमारा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए 7/4 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे, 4 से 7 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 4 से 7 को डिवाइड कर देंगे। अब 4 से डिवाइड कीजिए, 4 बन जा 4, ये आ गया रिमाइंडर 3। अब उसको लिखते कैसे हैं, लिखते ऐसे हैं कि जो हमारा आंसर होता है वो तो आगे आ जाता है, होल नंबर बन जाता है, रिमाइंडर अपॉन जिसे डिवाइड किया है, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, जब डिवाइड कर लिया तो इस तरीके से लिखते हैं। तो अब हमारा 7/4 क्या बन गया है, 7/4 हमारा चेंज हो गया है, चेंज होके क्या बन गया है, 1/3/4 बन गया है, ठीक है। हमारा 7/4 चेंज होके 1/3/4 बन गया है। अब हमें इस मिक्स फ्रैक्शन को, मतलब हमें इस नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि हमें यहाँ पे जो नंबर 1 है इससे हमें पता चल गया कि जो हमारा नंबर है वो किसके बीच में लाई करता है, 1 और 2 के बीच में लाई करता है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में लाई करता है। मतलब कि 1 से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि 3/4 भी है इसके साथ, तो 1 से क्या है, बड़ा है, ठीक है, 1 से
बड़ा है लेकिन वन और टू के बीच में लाई करता है, तो हम क्या करेंगे नंबर लाइन इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो आइए नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पे देखिए कहीं पे हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे वन डिनोट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम कहीं पे टू कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए वन जीरो और वन के बीच में भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचना कि जीरो वन के बीच में कोई भी नंबर नहीं होगा, जीरो वन के बीच में भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए वन और टू के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वन का तो काम यहाँ पे खत्म हो गया, जो यहाँ पे वन है इसका काम खत्म हो गया, अब है थ्री अपॉन फोर। थ्री अपॉन फोर कहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो वन के वन अब हमें पता चल गया है कि ये नंबर वन और टू के बीच में है, तो हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ सबसे पहले लिखने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है फोर। ठीक है, देखो जो डिनोमिनेटर है वो हमें बताता है कि हम किसी भी जो नंबर्स के बीच में हम कितने इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फोर है तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, फोर इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फोर इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे। कर दिया, वन टू थ्री फोर, नंबर वन और टू के बीच में है नंबर। यहाँ पे फ्रैक्शंस आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नंबर जो है हमारा वन और टू के बीच में है। ठीक है, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्या होगा, वन अपॉन फोर, दूसरा होगा टू अपॉन फोर, तीसरा होगा थ्री अपॉन फोर। ठीक है, तो देखिए हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, वन होल थ्री अपॉन फोर, वन यहाँ पे है और थ्री अपॉन फोर कहाँ पे, यहाँ पे। तो हमारा नंबर रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे होगा, कुछ इस जगह पे होगा, मतलब कि जो हमारा नंबर होगा वो इस जगह पे होगा, और वो कौन सा नंबर होगा जो हमें रिप्रेजेंट करना था, सेवन अपॉन फोर। तो हमारा यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है वो किसका हुआ है, सेवन अपॉन फोर का हुआ है। समझ में आ गया, एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है, हमें देखना होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला केस देखना होता है, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। यहाँ पे हमारा नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि नंबर कौन से दो नंबर के बीच में है। हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमारा ये आ गया। यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा नंबर है वन और टू के बीच में है। कैसे पता चला, वन है और वन के साथ थ्री अपॉन फोर है, मतलब कि नंबर वन से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन में वन और टू के बीच में हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, फोर है। तो डिनोमिनेटर हमें बताता है कि हम कितने इक्वल पार्ट्स करें, क्योंकि फोर है तो हमने वन और टू के बीच में हमने कितने पार्ट्स कर लिए, चार पार्ट्स कर लिए, वन टू थ्री फोर, चार पार्ट्स कर लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, थ्री अपॉन फोर हमें शो करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना, वन अपॉन फोर, टू अपॉन फोर, थ्री अपॉन फोर। तो थ्री अपॉन फोर यहाँ पे आ गया। अब ये वन है और ये थ्री अपॉन फोर, तो इसका मतलब है कि हमारा जो नंबर है वो कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, और कौन सा नंबर होगा यहाँ पे, सेवन अपॉन फोर, जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम दूसरा इसका एग्जांपल देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से इसको समझ में आ जाए। ठीक है, एक बात और समझ लेते हैं कि हमें ये भी देखना होता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो हम राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, अगर नंबर नेगेटिव है तो हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं और फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नंबर है माइनस फाइव अपॉन सिक्स। ठीक है, अब देखिए माइनस फाइव अपॉन सिक्स है, तो माइनस फाइव अपॉन सिक्स, माइनस साइन से आपको क्या समझ में आ रहा है, माइनस साइन से आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर है वो जीरो के क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, जीरो के लेफ्ट साइड में होगा। जीरो के लेफ्ट साइड में क्यों होगा, क्योंकि जीरो के लेफ्ट साइड में सारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव है तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ठीक है, एक बात तो हमें नंबर को देखते ही समझ में आ गई कि लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे माइनस साइन को इग्नोर करना होता है। ठीक है, इग्नोर क्यों करना होता है ये समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई है, कंडीशन ये हो गई है कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। अब इसको आप माइनस फाइव ना मान के फाइव मानिए, तो आपको पता है कि हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब कि न्यूमरेटर हमारा छोटा है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, बड़ा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वैसे अगर आप इसको माइनस फाइव लिखते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ से भी देख सकते हो
सिक्स बड़ा होता है, माइनस माइनस फाइव और सिक्स के कंपेरिजन में सिक्स क्या है, बड़ा नंबर है, ठीक है। मैंने आपको माइनस साइन इग्नोर करने को इसलिए बोला, यहाँ पे तो क्या है कि आपको सीधे सीधे दिख रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको ऐसे क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो रिप्रेजेंट तो आप इसको आप लेफ्ट साइड में ही जीरो के इसको बनाओगे, रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला देखते हो तो आपको थोड़ी देर के लिए आपको क्या करना होता है, माइनस साइन को इग्नोर करना होता है, ठीक है। लेकिन चलो माइनस साइन को लेके भी चलते हैं, तो भी यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है न्यूमरेटर से, ठीक है। और ये किस तरीके का फ्रैक्शन है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन ये है कि जब भी कोई हमारा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा जीरो और वन के बीच में लाई करती है, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपकी वैल्यू हमेशा जीरो और वन के बीच में क्या करती है, लाई करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा नंबर माइनस में है, तो यहाँ पे जीरो एंड माइनस वन के बीच में लाई करेगी वैल्यू, ठीक है। वैसे तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जीरो वन के बीच में वैल्यू लाई करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि नंबर तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव नंबर थोड़ी आ सकता है, ठीक है। नेगेटिव नंबर कैसा आएगा, जीरो और माइनस वन के बीच में आएगा, ठीक है। तो आइए इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं, जीरो और माइनस वन के बीच में कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जीरो रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने कहीं पे माइनस वन रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जीरो माइनस वन के बीच में आएगा क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको आप रिप्रेजेंट करना शुरू कीजिए, ठीक है। जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो सबसे पहला नंबर क्या होगा हमारा, माइनस वन अपॉन सिक्स, देन माइनस टू अपॉन सिक्स, देन माइनस थ्री अपॉन सिक्स, फिर माइनस फोर अपॉन सिक्स, फिर माइनस फाइव अपॉन सिक्स, और ऐसे करके माइनस सिक्स अपॉन सिक्स, ऐसे करके ये आगे को हम बढ़ते रहेंगे, क्लियर हो गया। ऐसे करके हम इसको आगे को बढ़ते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस सिक्स अपॉन सिक्स है, अगर आप इसको कैंसिल कर देते हो तो माइनस वन आ जाता है, कैंसिल करोगे तो माइनस वन आ जाता है, ठीक हो गया। अब जो हमें नंबर रिप्रेजेंट करना है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, ये है वो नंबर जिस जो हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये जो नंबर है ये जीरो और माइनस वन के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, माइनस फाइव पॉइंट सिक्स को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर टू को समझेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन नंबर लाइन, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर्स हैं ये नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आप इनको बनाओगे, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स हैं तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में ये बनेंगे। उसके अलावा और आपको क्या पता चल रहा है कि ये तीनों ही प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, ये तीनों ही प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। क्यों है प्रॉपर फ्रैक्शंस, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। और आपको एक कंडीशन बताई है मैंने कि जब भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हमारी जो वैल्यू होती है वो जीरो और वन के बीच में आती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नेगेटिव हैं तो जीरो और माइनस वन के बीच में हमारी वैल्यूज लाई करेंगी, ठीक है। वैसे तो जीरो और वन के बीच में होती है, लेकिन क्योंकि नंबर्स यहाँ पे नेगेटिव है तो वैल्यू हमारी जीरो और माइनस वन के बीच में लाई करेगी, क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करी। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे आप यहाँ पे हम जीरो लिख लेते हैं और यहाँ पे हम माइनस वन लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में इलेवन है, ठीक है। डिनोमिनेटर हमें बताता है कि कितने पार्ट्स में हमें इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। कितने इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे 11 है, तो यहाँ हम ये जो लाइन है बचा हुआ पोर्शन है इसको हम 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब काउंट कीजिए, स्पेस को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने क्या किया, 11 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं, ठीक है।
तो अब क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में हम जा रहे हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला नंबर होगा हमारा माइनस वन अपॉन इलेवन, टू अपॉन इलेवन, इस तरीके से आप सारे नंबर्स को आगे की तरफ बढ़ते जाइए और इस तरीके से आप लिखते रहिए। माइनस एट अपॉन इलेवन, माइनस नाइन अपॉन इलेवन, माइनस टेन अपॉन इलेवन। क्लियर हो गया, आपने इस तरीके से जो नंबर्स हैं इनको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो जो नंबर हमको रिप्रेजेंट करने को बोला है हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस टू अपॉन इलेवन यहाँ पे आ गया, माइनस फाइव अपॉन इलेवन यहाँ पे आ गया, माइनस नाइन अपॉन इलेवन यहाँ पे आ गया। समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए।